आज प्रजापति ने कैसे स्मरण किया? मेरी इच्छा थी कि मेरी प्रजा और मेरी पुत्री भी देखे कि आप हैं कौन। आपकी ये प्रजा ये मानती है कि आपको प्रसन्न करना बहुत सरल है, क्योंकि ना तो आपके लिए कोई नियम अनिवार्य है और ना ही आपकी आराधना में कोई विधि विधान का महत्व है। इसलिए वो आपको भोलेनाथ बुलाते हैं। मूर्ख नहीं जानते कि शिव की वास्तविकता तो इसके विपरीत है। मेरे पिता ब्रह्मा को सत्कार स्थान और उत्सवों से विहीन करने से लेकर आज इस उपयुक्त समय पर इस मंदिर में पधारने तक आपकी हर चाल सुनियोजित है, उसमें षड्यंत्र की गंध आती है। आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं दक्ष प्रजापति, भूल रहे हैं कि आप जिनसे ऐसे कुवाक्य कह रहे हैं वो स्वयं महादेव है। आप एक साधारण नहीं, ब्रह्मा का पुत्र हूं मैं, ब्रह्मा का। यदि ब्रह्मा ने संसार की रचना की है तो मैं हूं उसका संचालक। मैंने ही इस भूमि को उपजाऊ बनाया है, व्यवस्थित किया है, जीवन निर्वाह योग्य बनाया है। यदि मैं इस प्रजा को नियमबद्ध नहीं करता तो कौन पूछता इन ब्राह्मण ऋषियों को? मैं ही हूं जिसने यज्ञ संस्कृति से सारे संसार का उद्धार किया है। साधारण नहीं हूं मैं। किसके लिए दक्ष, किसके लिए किया ये सब? संसार का संचालन, नियमों की स्थापना कर इस भूमि को निर्वाह योग्य बनाना, ये एक प्रजापति का दायित्व ही तो है। इसी कारण आपकी उत्पत्ति हुई, तो फिर उपकार कैसे?